मैं दीक्षा मिश्रा तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हर तूफान को मोड़ दे हम जो हिंदुस्तान से टकराए, हर तूफान को मोड़ दे हम जो हिंदुस्तान से टकराए, चाहे तेरा सीना हो जाए छल्ली पर तिरंगा ऊंचा ही लहराए, पर तिरंगा ऊंचा ही लहराए। जैसा कि पूर्व विदित है, हम सब यहाँ पावन तिरंगे झंडे के नीचे भारतीय गणतंत्र दिवस मनाने हेतु उपस्थित हुए हैं। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि हर भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। आज ही के दिन 26 जनवरी वर्ष 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ था। अब्राहम लिंकन ने गणतंत्र को बड़े ही सरल शब्दों में समझाया है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है, जिस हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसका निर्माण बाबा साहेब द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में पूर्ण किया गया है। गर्व होता है हमें जब अनेकता में एकता के राष्ट्रगान का स्वर हमारे कानों में गुंजन करता है और गौरवान्वित करता है हमारा यह तिरंगा, जो हमें सदैव भारतीय होने की अनुभूति कराता है। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए, सबमरीन बनाए, और जब जिंदगी की सांस छूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संत निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पे सब पे करे दिया। हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत अमन और सुलह के हमराज हम ही हैं। विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज हम ही हैं। देख लो हमारी इश्यू उठाकर, हमने 500 सालों में किसी पर अटैक नहीं किया, कहीं जंग का कहर तोड़ा नहीं, लेकिन हमारी ओर किसी ने आंख उठाकर देख लिया तो हमने उसे देखने लायक छोड़ा नहीं। साइंस कहता है 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान कोई नहीं सह सकता। 0 से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां, 50 के ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां, तो वे लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर्स पर -30 डिग्री पे तिरंगे के तार कस रहे हैं, वे लोग कौन हैं जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पे ठा के मार के हंस रहे हैं। ऐसी जाबाजियां हार मास के पुतलों में कहां, इसके लिए कोई यक्ष या देवदूत चाहिए, फौजी खुदा के भेजे फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए। दोस्तों के लिए स्वागत का गीत है हम, दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम, अहिंसा भी हम ही, इंकलाब भी हम ही, हम ही गौतम बुद्ध और राणा प्रताप भी हम ही। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम सब करोड़ों वीरों के नाम यह शपथ लेते हैं कि हमारे लिए देश और भारत माँ का आदेश पहले होगा, हर धर्म ग्रंथ से बढ़कर हमारे लिए हमारा देश का संविधान होगा। हम शपथ लेते हैं हमारा एक ही धर्म होगा, वह राष्ट्र धर्म होगा। ईश्वर गॉड अल्लाह वाहेगुरु सबको नमन, लेकिन हमारी नजरों में देश पर मर मिटने वाले सबसे बड़े होंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम जहां भी रहे हमारे दिल में हिंदुस्तान रहेगा। और अंत में देश की शान में यही कहूंगी कि नमन है उन वीरों को जिन्होंने अपना लहू बहाया है, नमन है उन वीरों को जिन्होंने अपना लहू बहाया है, अपना सब कुछ लुटाकर हमें गणतंत्र दिलाया है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगी, मैं खुद मिट जाऊंगी लेकिन तिरंगा नहीं झुकने दूंगी, लेकिन तिरंगा नहीं झुकने दूंगी। जय